हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑफ लाडी कार एक्सेसरीज। मेरा नाम है गिन्नी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज एक और फिर से नई अर्टिगा की वीडियो में, न्यू अर्टिगा टेस्टफुली मॉडिफाइड, जिनकी कार है वो दिल्ली के हैं बट एक्चुअल में जिनकी कार है वो पटना के हैं और किसी के थ्रू हमारे पास, उनके रिलेटिव के थ्रू हमारे पास आई है और रेडी हो रही है। अल्टीमेट मॉडिफिकेशन जिसके अंदर हमने की हैं, देखने वाली चीज़ें हैं बहुत सारी। सर का टेस्ट वेरी गुड, हर चीज़ उन्होंने टॉप क्वालिटी की ली, बट कुछ एक चीज़ें इस कार के अंदर ऑलरेडी लग कर आई हुई थी, कुछ एक चीज़ें हमने लगाई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में ज़रूर हमारे को बताना कि वो चीज़ें आपको कैसी लगी। स्टार्ट करना चाहता हूँ वीडियो को इस कार के फ्रंट से, जो हमने फ्रंट में इसके स्टार्डम किट इंस्टॉल की हुई है। ये फ्रंट में इसके स्टार्डम किट होती है, जो आप ये फ्रंट में डिफ्यूज़र्स देख सकते हो, ये स्टार्डम के डिफ्यूज़र होते हैं। हमने आपको स्टार लाइनर डिफ्यूज़र्स भी दिखाए हैं, बट इस कार के अंदर जो डिफ्यूज़र लगाए हैं बॉडी कलर होते हैं, अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। एक और डिज़ाइन जो हमने आपसे इंट्रोड्यूस किया है, यही सेम डिज़ाइन हमने आपको बॉडी कलर के बिना ब्लैक एंड सिल्वर भी दिखाया हुआ है, बट ये उससे और अच्छी क्वालिटी का चीज़ एक यहाँ पे हमने अवेलेबल कराई हुई है, जो आप लोगों के लिए आप देख सकते हो। सेकेंडली, जो दूसरी बात की जाए इस कार के अंदर और क्या लगाया हमने, तो फॉग लैम्प्स ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आए हुए थे इस कार के अंदर। फॉग लैम्प के क्रोम्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, सी एन लीक ब्रांड के, अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड जो हमने इस कार के अंदर लगाए हुए क्रोम के मामले में। सारा क्रोम, टू पेस फॉग लैम्प क्रोम आता है, एक ये बॉर्डर आता है, एक साथ में आपका ये जो एक रिंग है फॉग लैम्प का, इसका ये क्रोम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ओरिजिनल अलॉय व्हील्स यहाँ पे इस कार के अंदर ब्लैक कलर के लगे हुए थे। जैसे मैंने बोला, सर की जो चॉइस थी, जो टेस्ट था, वो बहुत एक लाजवाब, तो ओरिजिनल अलॉय व्हील्स, ओरिजिनल बिडिंग्स इस कार के अंदर लगी हुई थी। हमने जो एड ऑन लगाया हुआ वो लगाया हुआ, हमने हैंडल क्रोम्स लगाए हुए हैं, और एक ये जो बॉडी फिट वाली रूफ रेल आती है, इस बॉडी फिट वाली रूफ रेल का क्या फ़ायदा होता है कि आगे से लेके पीछे तक ये पूरी सिंगल पीस में पेस्टिंग वाली रूफ रेल होती है। इसकी जो पकड़ है, जो पेस्टिंग है, वो किसी और रूफ रेल से बहुत ज़्यादा बेटर होती है। तो आप मतलब रिलायबिलिटी की बात की जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है आपकी कार में, वरना क्या होता है कि अगर कोई जो गाड़ी हमारे साफ़ करते हैं वो इसी के सहारे से छत को साफ़ करते हैं, तो कई बार उतरने के चांसेस रहते हैं। तो ये रिकमेंडेशन हमारी रहती है कि आप ये बॉडी फिट वाली रूफ रेल लगाओ, और ज़बरदस्त चीज़ और ज़बरदस्त एक रिज़ल्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इंटीरियर बहुत शानदार किया हुआ है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ, हमने सेट ऑफ 10 पीसेस का फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन फाइबर इंटीरियर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो आपको देखने को मिलेगा। सेट ऑफ 10 पीसेस का कार्बन फाइबर लगाया हुआ है इसके अंदर। हाइड्रो टिपिंग होता है, पुराने पीसेस को हटाकर ये पीसेस लगाए जाते हैं यहाँ पे। एक क्लास, एक जो चीज़ आपकी कार में होनी चाहिए, ये उसमें से एक है। डे बाय डे हम लोग इंटीरियर के मामले में भी बहुत एक नई नई चीज़ें और एक जिसे कहते हैं अपग्रेडेशंस की तरफ जा रहे हैं, तो ये उनमें से एक चीज़ है। डोर पैनल्स को हमने यहाँ पे लेदर पैडिंग की हुई है, ताकि एक इंटीरियर से मैचिंग लुक आ सके। एक जब आप आर्मरेस्ट के ऊपर हाथ रखते हो तो आपको एक वो फील आ सके, एक प्लास्टिक की फील से मच बेटर होती है कि आप ये अगर लेदर पैडिंग कराते हो तो उसका एक प्रीमियम फील, एक क्लास ही अलग है। तो एक ये हमने यहाँ पे की हुई है। इंटीरियर में अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ, अभी सब कुछ दिखाऊंगा धीरे धीरे। स्कफ प्लेट्स लगाई हैं, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स होती हैं ब्लू कलर की। ये फुल वाली स्कफ प्लेट्स हैं, कोई स्टिक ऑन वाला नॉर्मल पार्ट नहीं है। ये 1, 2 एंड 3 तीन स्टेप्स में ये स्कफ प्लेट आती है, और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। इवन जो पीछे वाला पार्ट है वो भी हमारा पूरे पीस में आता है, जो कि एक फुल वाला पीस होता है, तो इसकी एक पूरी आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल सकती है। पूरी कार में हमने इसके 90 वाली फ्लोरिंग की हुई है। 90 वाली फ्लोरिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके कभी जो कारपेट, जो आपका डस्ट फ्री रख सकते हो अपने कारपेट को, इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन आपकी कार। हर दिन अगर आप कार साफ़ करा रहे हो तो हर दिन वो वापस वैसे की वैसे क्लीन हो सकती है। मैट्स की बात की जाए तो GFX के TPH क्वालिटी के लाइफ लॉन्ग मैट्स डाले हुए हैं ब्लैक कलर में, बिकॉज जो हमारे सीट कवर्स हैं, वो हमने अल्ट्रा सॉफ्ट सीट कवर जिस कार के अंदर लगाए हुए हैं, विद द 6 पफ के साथ ये सीट कवर आते हैं। एक ऐसी चीज़ जो हमने लेटेस्ट इंट्रोड्यूस की है, और एक ऐसा रिज़ल्ट जो हमारे को इसके अंदर मिला है, वो बहुत शानदार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
ये सिक्स पफ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, वन टू एंड थ्री, नीचे अगर दो पफ मिलते हैं, फुल बकेट फिट, फुल एक कंफर्टेबल चीज़ है यहाँ पे आपको, एक जो रिजल्ट आपको मिलता है बहुत ज़बरदस्त है। ओरिजिनल आर्मरेस्ट इस कार के अंदर हमने लगाई है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो वन ऑफ द वेरी बेस्ट इंटीरियर इस कार के अंदर हमने किया हुआ है। एक हम कैसे एक नॉर्मल ब्लैक कलर के इंटीरियर को एक अच्छी लुक दे सकते हैं, इस वीडियो में वो आपको मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहता हूँ इस कार के अंदर हम लोगों ने ओरिजिनल ट्यूटर पॉड्स लगाए हुए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने JBL के स्टेडियम सीरीज के चारों कंपोनेंट्स लगाए हैं। जैसे कि टेस्ट सर का बहुत बेटर था तो हमने बेस्ट ऑफ द स्पीकर इस कार के अंदर लगाए हुए हैं, तो उसके ट्यूटर्स को हम लोगों ने इसके ट्यूटर पॉड्स के अंदर ही फिट किया हुआ है। और साथ में हमने इस ट्यूटर पॉड्स को भी पियानो ब्लैक कराया हुआ है। इसके अंदर हमने कार्बन फाइबर के अलावा जो फ्रंट पे सिक्स पीसेस की पियानो ब्लैक की किट होती है तो हमने वो भी इंस्टॉल की हुई है। अगर मैं आपको बोलूँगा पास आ जाओ तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लुक देखने को मिलती है। ये वाला पोर्शन हमारा कार्बन फाइबर होता है। इसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तो ये वाला पूरा पियानो ब्लैक होता है। मीटर हुड भी सारा पियानो ब्लैक है हमारा। उसके बाद स्टीरियो पैनल से लेके हमारा लेफ्ट साइड तक का सारा जो AC का ब्लोर होता है और उधर वाले ट्यूटर पॉड्स, ये सब हमें पियानो ब्लैक प्लस कार्बन फाइबर की एक थीम देखने को मिलती है जो आपको हम कार में दिखा रहे हैं। स्टीरियो की बात की जाए तो स्टीरियो हमने लगाया है अनप्लग का 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और स्टीरियो में जो खास बात है, इस कार के अंदर हमने रियर व्यू कैमरा तो लगाया, साथ में हमने इसका फ्रंट व्यू कैमरा भी लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टीरियो में तो इसके अंदर हमने फ्रंट व्यू कैमरा भी लगाया, हमें फ्रंट व्यू का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है और हमारा आगे का कैमरा यहाँ पे पूरा प्रॉपरली चालू हो जाता है। 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज विद द एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ लगाया हुआ है। द फुल कार हैज़ बीन डैम्प्ड विद द डॉक्टर आर्टेक्स की नैनो सीरीज की डैम्पिंग के साथ हमने डैम्प की हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीकर्स की तो स्पीकर्स हम लोगों ने इस कार के अंदर लगाए हैं, JBL के स्टेडियम सीरीज के स्पीकर्स लगाए हुए हैं। अगर मैं आपको रियर की तरफ लेकर चलूं, तो एक ऐसी एक्सक्लूसिव चीज जो हमारी फेवरेट बन चुकी है अर्टिगा के अंदर, इसके बिना अर्टिगा ही इनकम्प्लीट है यार। चाहे वो मैग्मा कलर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो आपका वाइट कलर हो, रियर पीस को हमने इसका जो सुजुकी पार्ट वाला रियर पीस है हम लोगों ने इसको पियानो ब्लैक किया हुआ है। हमने कोई नॉर्मल रैपिंग, कोई टेप, कुछ नहीं लगाई, हमने इसको पूरा रियर पीस को ही पियानो ब्लैक किया हुआ है। यहाँ पे जो एक क्लास यहाँ पे निकल के आती है, अनमैचेबल है, वो चीज़ ही अनमैचेबल है, वो आप किसी से मैच नहीं कर सकते। एक लुक अपने आप में अर्टिगा को डिफाइन करती है कि यार क्या अर्टिगा इस लेवल की मॉडिफिकेशन पे भी जा सकती है। बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग कि हम और क्या क्या चीज़ें लेकर आ सकते हैं। स्टारडम किट के अंदर जो रियर का डिफ्यूज़र होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को नज़र आता है, सिल्वर विद द ब्लैक। फ्रंट में आपको वाइट कलर का मिलता है जो बॉडी कलर है, बट रियर में आपको सिल्वर विद द ब्लैक हाईलाइटिंग के साथ मिलता है। ये रियर का हमारा सिंगल लाइन डिफ्यूज़र होता है, कोई इसके अंदर एग्जॉस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बट एक क्लास जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे निकल के आ रही है। रिफ्लेक्टर क्रोम्स लगाए हुए हैं यहाँ पे हमने, थोड़ा बहुत सर को क्रोम वर्क पसंद था तो रिफ्लेक्टर क्रोम्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक हमने नंबर प्लेट का यू क्रोम भी लगाया है, ये एक लेटेस्ट आइटम जो यहाँ पे हम लोग ने इंट्रोड्यूस की हुई है ताकि आपकी कार को एक बोल्ड लुक मिल सके जब आप अलॉय व्हील्स लगाते हो, बॉडी फिट रूफ रेल्स लगाते हो। स्पॉयलर्स प्री इंस्टॉल्ड थे, सर ने कंपनी से लगवाए हुए थे, अदरवाइज मैं स्पॉयलर भी ब्लैक कलर का लगाता, इसकी रूफ को ब्लैक करता तो एक और बहुत अच्छी थीम यहाँ पे बन सकती थी कार की, बट वो भी करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, ज़रूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि काम आपको कैसा लगा। हाई एंड म्यूजिक सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। द फुल कार हैज़ बीन डैम्प्ड। सर हमारे पास तकरीबन 12:30-1 के करीब आए थे और अभी टाइम हो रहा है 8:00। तो प्राउडली मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 6-7 घंटे के अंदर हमारी टीम ने ये सारा काम किया हुआ है। जो नंबर ऑफ आइटम्स कार के अंदर लगी हैं तकरीबन कुछ 35-30 आइटम्स लगी हुई हैं, 25-30 आइटम्स इस कार के अंदर लगी हैं जो हमने सिर्फ 6-7 घंटे के अंदर कंप्लीट करके यहाँ पे दी हुई हैं, इंक्लूडिंग दैट रियर पियानो का पीस, इंक्लूडिंग द कार्बन फाइबर, इंक्लूडिंग द फ्रंट पियानो जो हमने किया है विद द स्टारडम किट, डैम्पिंग, म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉलेशन, फ्रंट एंड रियर कैमरा, एवरीथिंग, क्रोम आइटम, सीट कवर्स, फ्लोरिंग, जो भी इस कार के अंदर किया हुआ है हमने लाजवाब, कोई क्वालिटी में किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अभी तक की एक ऐसी मेरी फेवरेट कार भी आप कह सकते हो जो अर्टिगा मैंने मॉडिफिकेशन की है, वो उनमें से एक आती है। काम आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और आज बता कर जाना। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।